तो कैसे हैं आप लोग? हैं जैसा कि पिछले क्लास में पार्ट 14 में हमने पढ़ा था, जल संसाधन यानी कि भारत संसाधन एवं उपयोग इकाई 1 का खंड ख, जल संसाधन का हमने एक वीडियो पढ़ लिया है। उसमें हमने जाना है कि जल क्या होता है, जल संसाधन के बारे में काफी हमने चर्चा की थी, भूमिगत जल के बारे में, भूपृष्ठीय जल, महासागरीय जल, ऐसे बहुत सारे चीज़ों के बारे में कल के क्लास में हम लोगों ने क्लियर किया था इन सारे चीज़ों को। तो चलिए आज का इसका अगला क्लास हम लोग बढ़ाते हैं और लाते हैं इसका खंड ख का अगला पार्ट, यानी कि पहले चैप्टर का पार्ट 15। यानी अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया पार्ट 1 से लेकर 14 तक, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, उसको ओपन कीजिएगा तो लाइन बाई लाइन आपको पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 14 तक सारे वीडियो मिल जाएंगे। मैं ये बात बार बार बोलता हूँ, कितने लोग बोर हो जाते हैं सर एक ही बात बोलते हैं, लेकिन एक ही बात बोलना जरूरी है क्योंकि आप मान लो कि जो पढ़ते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं जानते उनको क्या पता होगा कि मतलब पीछे भी वीडियो सारे अपलोड हुए, क्योंकि लगता होगा यही बीच से कहीं भी पढ़ा दिया गया, क्योंकि मैंने कई लोगों को यूट्यूबर वालों को देखा है कि वो लोग कहीं से पढ़ा देते हैं, जो मन करता है उठा के वहीं डाल देते हैं, वो लाइन बाई लाइन ही पढ़ाते हैं पार्ट 1 पार्ट 2, बस जो मन किया वहीं डाल देंगे, जो मन किया वहीं पढ़ा रहे हैं। नहीं, लाइन से पढ़ना है, कंप्लीट करना है इसको, ठीक है ना? तो उसको आप लोग जा करके क्लियर कीजिए आप लोग। चलिए अब आज के क्लास में हम लोग जल संसाधन का अगला सेक्शन पढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक है जल संसाधन का वितरण। वितरण मतलब होता है बंटवारा। वितरण मतलब क्या होता है? बंटवारा होता है, जल संसाधन का बंटवारा करना है। सबसे पहले जैसे कि देखिए आप लोग जानते हैं वितरण मतलब बंटवारा। शादी ब्याह के बाद आप लोग सुने होंगे कि हर आदमी का भाई भाई में बंटवारा हो जाता है। शादी के पहले 10 को भाई होगा उन लोगों में बंटवारा नहीं होगा, लेकिन पता नहीं 2 को भाई हो ना, अगर शादी हो जाए ना तो उसके बाद बंटवारा वाला काम शुरू होता है, तो सब मेहरारू सब शुरू करती है। ऐसा नहीं कि पति लोग का उसमें मतलब हिस्सा नहीं होता, उन लोग भी कांड करता है, लेकिन सब मेहरारू का सिखाया हुआ करता है, जिसके चलते उन लोगों का बंटवारा होने लगता है। तो खैर यहाँ पे परिवार का बंटवारा नहीं है, यहाँ पे जल संसाधन का बंटवारा है कि पानी का बंटवारा इंडिया में किस प्रकार हुआ है, कहाँ पर कितना पानी है, कहाँ पर कितनी बारिश होती है, ये सारे चीज़ों का चर्चा आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व स्तर पर जल के वितरण को देखा जाए तो पता चलता है कि अधिकांश जल दक्षिणी गोलार्ध में ही है। अब देखिए गोलार्ध 2 भाग में, जैसे पृथ्वी गोल है ये तो आपको पता है, पृथ्वी क्या है? गोल है, और उसका 2 भाग है, एक है उत्तरी गोलार्ध और एक है दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वाला जो है वो उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ पे एक पिक्चर आप देखिए, ये ऊपर वाला जो आप देख रहे हो ना ये क्षेत्र, ये है उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, और नीचे वाला जो ब्लू रंग का दिख रहा है ना ये है दक्षिणी गोलार्ध, ये पृथ्वी है, ठीक है ना। जैसे कि मनुष्य के जीवन में भी, हमारे जीवन में भी 2 गोलार्ध हैं, एक नर है एक नारी है, तो एक है स्त्री और एक है पुरुष, दूल्हा दुल्हन देखे ना बैठे हुए हैं, तो ये भी गोलार्ध के 2 हिस्से हैं, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध है ये उत्तर में बैठे हुए हमारे महाशय पुरुष महाराज जी, और ये हैं स्त्री महाराज जी, तो ये हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। मैंने इसका फोटो यहाँ पे क्यों लगाया अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में है, इसी कारण दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। यानी कि इंडिया का सबसे ज़्यादा जो पानी है वो दक्षिणी गोलार्ध में है, तो दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध भी कहा जाता है और उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध कहा जाता है, कि स्थल मतलब जमीन। ये हरे रंग का जो है ना ये जमीन को इंडिकेट करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जमीन है, और ये किसको इंडिकेट करता है? तो ये इंडिकेट करता है पानी को। तो ये है पानी, यानी कि स्त्री जो है वो पानी और पुरुष क्या है? मिट्टी है। क्यों मैंने यहाँ क्यों कहा है? तो देखिए दक्षिणी गोलार्ध पानी इसलिए है कि महिलाओं को ना हर बात में, लड़कियों को ना हर बात में फट से लुर चू जाता है। लुर मतलब उसको कस के डांट दीजिए तो ही बैठ के खूब करेंगी, कहीं जा रहे घर से बाहर पिताजी बोले कहाँ जा रही हो, अदार है नहीं जाना, चलो घर में बैठो, तो जाके सीधानी पकड़ के ये बिछावना पे खूब रोती है ये लोग, आ जाके आराम से उसी में करेगी, ठीक है ना। इन लोगों का हर बात में क्या होता है ना, पानी गिरना शुरू कर दिया, इसलिए मैंने कहा ये दक्षिणी गोलार्ध है, इन लोगों का पानी का मात्रा ज़्यादा है। आप पुरुषों को क्या है कि 2-4 लत लतिया दो तो ए करेंगे, पहले तो रोएगा नहीं सब, ऐसे गुड़िया गुड़िया के ताकेगा,
रोएगा भाई तो अलूर नहीं गिरेगा, समझ रहे हैं बात को। तो ये है उत्तरी गोलार्ध, पुरुष लोग है उत्तरी गोलार्ध इन जमीन वाला, इन लोगों के पास पानी नहीं है। महिलाएं जो है उनके पास क्या है, उनके पास है पानी वाला गोलार्ध। इन लोग हर बात पर टिपना चुराना शुरू कर देती है। तो बस पृथ्वी दो भाग में बटी है, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, और दक्षिणी गोलार्ध को कहा जाता है जल गोलार्ध, इसको आपको याद रखना है, और उत्तरी गोलार्ध को कहा जाता है स्थल गोलार्ध। फिर आगे है, पृथ्वी पर उपलब्ध जल के अधिकांश भाग लवण की उच्च सांद्रता धारण करते हैं। अब पृथ्वी पर जितने भी पानी की मात्रा उपलब्ध है तो उसमें अधिकतम भाग में क्या है, लवण है। लवण समझ रहे हैं, नमकवा नहीं होता है, नमक की मात्रा ज़्यादा यानी समुद्र ज़्यादा है। पानी तो है, देखिए आप लोग हमेशा एक चर्चा सुनते हैं कि हमें पानी को बचाना चाहिए, सेव वाटर। तो सेव वाटर की बातें तो हम लोग करते हैं, लेकिन किस सेव वाटर की बात करते हैं? उस समुद्रवा का पर्य नहीं बचाना है, क्योंकि उसकी मात्रा तो इतनी ज़्यादा खत्म ही नहीं होगा। बचाना है आपको वो पीने वाला पानी, या भूमिगत जल जो पड़े थे ना पिछला अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड वाटर के बारे में, तो उसको बचाना है। उसमें लवण नहीं है, वो पीने वाला पानी है, मृदु पेय है वो। तो अधिकांश पृथ्वी पर जो पानी अवेलेबल है उसमें लवण की मात्रा ज़्यादा है। फिर भी जैव विविधताएं, जैव विविधता मतलब होता है ना अलग अलग प्रकार के जीव। धरती पर देखे ना एक प्रकार का जीव है क्या, कुकुर बिलार सियार कौआ कबाड़ कई चीज पड़ा हुआ है। तो जैव विविधता हेतु ये महत्वपूर्ण है, जहाँ मछलियाँ समुद्री जीव जंतु वनस्पतियों एवं खनिजों का भंडार पाया जाता है। यानी कि इन समुद्रों में आपको मछलियाँ हैं, समुद्री जीव जंतु हैं, बहुत सारे वनस्पति भी उनके आसपास होते हैं, खनिजों का भंडार भी अगर आपको मिलेगा तो समुद्र के आसपास ही मिलता है, समुद्र में ही मिलता है। तो ये महत्वपूर्ण है, भले उसका पानी हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं पीने में, बट और कामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत में जल संसाधन का वितरण अपर्याप्त है, यानी कि भारत में जो जल संसाधन का वितरण हुआ है, यानी कि पानी का बंटवारा हुआ है, वो ठीक ठाक नहीं हुआ है। मतलब कहने का अर्थ है कि आपको पता है कि मान लीजिए कि हम तीन भाई हैं, मान के लीजिए तीन भाई हैं, तो मेरे पिताजी का जो ज़मीन है वो सबको एक बराबर बांटा जाएगा, जो भी संपत्ति उसको एक बराबर बांटा जाएगा। लेकिन क्या किया गया कि मान लीजिए किसी को ज़्यादा दे दिया गया, किसी को कम दे दिया गया, तो इसको कहेंगे अपर्याप्त। तो वही हाल है इंडिया में पानी का, वो बराबर बराबर बांटा हुआ नहीं है, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, कहीं पे बहुत ज़्यादा है तो वहीं बहुत कम है, ये अपर्याप्त है। मतलब कि बराबर नहीं है, क्योंकि भारत में विश्व की लगभग 16% जो आबादी है वो निवास करती है। अब देखिए इसके बारे में आपसे हम क्या कहें, ये तो दिमागे टेंशन में डाल देता है। पूरा दुनिया का 16% आबादी इंडिया का है, यानी कि लगभग 206 से 208 गो देश होगा, और करीब करीब 7 अरब जनसंख्या होगी पूरे पृथ्वी पर, उसमें से 16% इंडिया का लोग है, खाली इंडिया का लोग जनसंख्या में। हमारे यहाँ जनसंख्या जानते हैं कैसे बढ़ता है, दिन दुगुनी रात चौगुनी, दिन में 2 गो बच्चा होगा तो रात में 4 गो होगा। मतलब कहने का अर्थ है अनाधुन अनाधुन बढ़ता है एकदम, 8 गो 10 गो 12 गो बच्चा। हर 100 आदमी में 16 आदमी इंडिया का है, जनसंख्या पूरे दुनिया का किया जाए तो 100 आदमी को खड़ा करा दे उसमें से 16 आदमी इंडिया का निकलेगा। समझ लीजिए कितना ज़्यादा जनसंख्या इंडिया का है। अब तो एक नंबर स्थान पर, मतलब हमको तो लग रहा है कि अगली बार जनगणना हुआ ना तो बस इंडिया एक नंबर पे होगा। अभी तो 2 नंबर पे है, चाइना आ गया, लेकिन चाइना काफ़ी कंट्रोल कर चुका है, इंडिया के पास वो कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं है, वो बढ़ते जाएगा और ये सबको दबा देगा, भले विकास में पीछे हो जाए लेकिन जनसंख्या के मामले में ना बाबा ना, पूरा आगे बढ़ेगा। तो 16% आबादी निवास करती है पूरे दुनिया का, इसको विशेष करके याद रखिएगा। और इस आबादी के लिए विश्व का लगभग 4% स्वच्छ जल ही उपलब्ध है। अब देखिए 16% आबादी है और 4% मात्र पानी है पीने वाला, यानी 4 गुना कम है। अब बताइए कैसे काम चलाना पड़ेगा। मान लीजिए गिलास है, ये एक आदमी के पीने के लिए पानी है, अब इसमें जनसंख्या इतना ना ज़्यादा है कि इसमें 4 आदमी को पीना पड़ेगा, माने सब क्यों कैसे ऐसे हम पी लिए, अब तुम पी लो, फिर वो थोड़ा सा पिएगा, हम पी लिए अब तुम भी पी लो, हम पी लिए अब तुम भी पी लो, मतलब एक गिलासा में 4 आदमी पिएगा, समझ रहे हैं बात को, तब तो जाके उस परिवार का काम चलेगा। कितना सोचिए कितना दिक्कत होगा, कितनी समस्या है पानी की,
और हम लोग पानी फिजूल में बर्बाद करते हैं। एक हो चोट्टा को देखे हैं कि 10-10 बार बार बाल्टी पानी पानी से नहाता है। अरे चोट्टा वो सब पानी पीने वाला पानी है। नल जल सरकार लगवाई, उसके लोग खेत का पटौनी कर रहा है, उससे भैंस धो रहा है, गाड़ी धो रहा है, ये सब नहीं, पीने वाला वो पानी है। तो पानी को बचाना बड़ा जरूरी है। पानी है ही नहीं, लेकिन लगता है कि पानी कौन खरीद के आता है। देख लीजिए, पहले पानी तो बिक ही रहा था, अब हवा भी इस साल बिक रहा था बहुत ज़्यादा मात्रा में। सिलेंडर की कमी के कारण कितना लोग इस मर गए कोरोना काल में, तो आपको तो इतना पता ही होगा अगर आप इंडिया में हैं तो। आबादी है, मतलब पूरा आबादी इसमें तो कैच नहीं है, ये पूरा का मुड़ी देख रहे हैं, खाली मुड़ी दिखाई दे रहा है। इतना लोग है, पानी देख लो यही हाल है। ये पोखरों में तनी तनी पनिया नहीं है, इतना ही पानी है लोग, इतना है। सोचो कैसे चिरुए में पानी लेकर पिएगा, सब सारा कामें तमाम कर देगा। मतलब पानी की मात्रा जो है बड़े ही कम है और लोग बहुत ज़्यादा है। मतलब 4 गुना, देखिए 4% पानी है और 16% आबादी है। ये है, टेंशन तो है लोग का, इस पर ध्यान नहीं, लेकिन आने वाला टाइम में कुछ ही साल में वो विस्फोट होगा ना जनसंख्या का, कि खाए बिना और पानी बिना पैसा होते हुए लोग मर जाएंगे। जैसे अभी कोरोना में लोग मर रहे हैं, पैसा तो है लेकिन ऑक्सीजन के बिना लोग मर जा रहे हैं। भारत में प्रति वर्ष 4000 घन मीटर जल वर्षण से, यानी 4000 घन मीटर पानी जो है वो वर्षा के पानी से आता है, और 1869 घन किलोमीटर जल भूपृष्ठीय जल से प्राप्त होता है। भूपृष्ठीय मतलब जल, भूपृष्ठीय के बारे में बताया ना पिछले क्लास में, वो जमीन के ऊपर जो पानी होता है सरफेस पे, तो उससे प्राप्त होता है। कुल भूपृष्ठीय जल का लगभग 2/3 देश की 3 बड़ी नदियों सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र में प्रवाहित है। यानी भूपृष्ठीय जल जो होते हैं वो देश का 2/3, यानी 3 भाग में 2 भाग कहाँ चली जाती हैं, सिंधु नदी में, गंगा नदी में और ब्रह्मपुत्र नदी में, इनमें इनका पानी बहकर चला जाता है। आज भारत में जल भंडारण का अर्थ होता है पानी को इकट्ठा करना, हेतु जलाशयों का निर्माण द्रुत गति से हो रहा है। द्रुत गति मतलब होता है, मतलब बहुत ही धीरे धीरे, जिसकी जल भंडारण की क्षमता लगभग 174 अरब घन मीटर हो गई है, जो देश की स्वतंत्रता के समय मात्र 18 अरब घन मीटर थी। यानी कि जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय मात्र 18, तो अंग्रेज लोग तो चूस गया था, तो यहाँ पे पानी चाहे कुछ नहीं छोड़ा था, ठीक है। लेकिन ये 174 घन मीटर अभी के स्थिति में, अभी फिलहाल तो और भी बढ़ा होगा। यहाँ पे भारत की स्थलाकृति, स्वरूप एवं अन्य बाधाओं की वजह से केवल 690 अरब घन मीटर जल का ही उपयोग कर पाता है, जो कुल भारत के जल का 32% है। कितना प्रतिशत? 32% है। भारत में गंगा द्रोणी में उपयोग के योग्य जल भंडारण की क्षमता सर्वाधिक है। यानी भारत का जो गंगा द्रोणी है इसमें उपयोग करने वाला पानी, यानी पीने वाला पानी जो है वो बहुत ज़्यादा है, उसका भंडारण की क्षमता ज़्यादा है, वो पीने वाले पानी को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा कर सकता है। कहाँ पे? गंगा द्रोणी में, समझ रहे हैं ना। ब्रह्मपुत्र नदी का सर्वाधिक वार्षिक होते हुए उपयोग योग्य जल भंडारण की क्षमता अति न्यून है, लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो इसके पास जल भंडारण की जो क्षमता है वो सबसे ज़्यादा न्यून है। न्यून मतलब होता है सबसे कम। पढ़े मैथ में आप लोग पढ़ते हैं ना, न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण, तो वो बहुत ही न्यून है, बहुत ही कम है। कहाँ पे? तो ब्रह्मपुत्र नदी में, और सबसे ज़्यादा किस में है? गंगा नदी। गंगा द्रोणी में पानी को इकट्ठा करने की जो क्षमता है वो सबसे अधिक है, और ब्रह्मपुत्र नदी में पानी को इकट्ठा करने की जो क्षमता होती है वो सबसे कम है। अगर उपयोग योग्य जल भंडारण की क्षमता को अनुपातिक दृष्टि से देखा जाए, अनुपात के हिसाब से देखा जाए, तो ताप्ती नदी का स्थान प्रथम है। लेकिन अगर जैसे अभी हमने पढ़ा कि गंगा द्रोणी में जल भंडारण की क्षमता सबसे अधिक है, ब्रह्मपुत्र में सबसे कम है, लेकिन अगर एवरेज बात किया जाए अनुपात की दृष्टि से, पानी की उपस्थिति, जगह की उपस्थिति, तो उसमें स्थान गंगा द्रोणी का नहीं बल्कि ताप्ती नदी का आ जाएगा। ये भी एक नदी है, इसका स्थान ज्यादा है जल भंडारण के क्षेत्र में। इसमें जल भंडारण करने की क्षमता 97% है, यानी कि ये जो नदी है ना अपने जल को 97% तक इकट्ठा कर सकती है। अब 97% का अर्थ क्या है?
97% का अर्थ है कि लगभग 100% समझ लीजिए। अगर 97% रख रहा है तो 3% का क्या वैल्यू है, यानी कि अपना लगभग लगभग सारा पानी इकट्ठा करने की जो क्षमता है ना, इसके पास सबसे ज़्यादा है। कुछ महत्वपूर्ण नदियों का ब्यौरा निम्न सारणी नीचे दिया गया। तो ये सारणी मैंने यहाँ पे नहीं रखा है, आप अपनी किताब में देख लीजिए, वहाँ पे कुछ सारणी दिया गया है कहाँ पे कितना पानी है, कैसे कैसे पानी को इकट्ठा किया गया, भंडारण क्या है, उपयोग क्या है, इन सारे चीज़ों का एक्सप्लेन उसमें है। बस कोई खास नहीं था तो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया उसको, एक बार देख सकते हैं आप लोग किताब में अपनी। आगे है, देश में भूमिगत जल का वितरण असमान है। देश में जो भूमिगत जल है, भूमिगत जल वही जल जमीन के अंदर वाला पानी, उसका भी वितरण जो है वो असमान है, मतलब कि बराबर नहीं है, कहीं पे कम है तो कहीं पे ज़्यादा है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा क्षेत्र है, अगर हम लोग 50 से 60 फीट भी अगर पाइप हला दें तो पानी निकल जाता है। देखिए आप मान लीजिए चले जाइए दिल्ली में, वहाँ पर 200-300 फीट हला दीजिएगा तो ऊपर ये नहीं निकलेगा। तो कहने का अर्थ है सब जगह अलग अलग लेयर है, सब जगह पानी एक बराबर नहीं मिलता है। अपने ही गांव में आप देखिएगा ना, कहीं पानी हलाइएगा कितना 100-100 फीट लोग हला देता है, पानी नहीं निकलता है, और उसका चार कदम आगे हलाइए 85 फीट में निकल जाता है। तो सब जगह लेयर नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो सब जगह भूमिगत जल का वितरण जो अभी एक समान नहीं है। इस पर चट्टानों की संरचना, धरातलीय दशा, जल आपूर्ति के स्रोत जैसी तत्वों का प्रभाव पड़ता है। अब डिपेंड करता है कि वो जो क्षेत्र है क्या वो चट्टानी क्षेत्र है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ के जल की आपूर्ति किस प्रकार होती है, ये सारे चीज डिपेंड करते हैं भूमिगत जल के बारे में। समतल मैदानी भागों में स्थित जलज चट्टानी भागों में भूमिगत जल की अपार राशि मौजूद है, जहाँ भेद या प्रवेश से चट्टान पाए जाते हैं। भारत के दूसरी उत्तरी मैदान में पंजाब से लेकर ब्रह्मपुत्र घाटी तक जो हिमालयी नदियों के कारण मिट्टी से निर्मित हुआ है, में सर्वाधिक भूमिगत जल पाए जाते हैं। यानी इन क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र घाटी में हिमालय नदियों के कारण, जो मतलब हम ही लोग उस साइड में हैं, वहाँ पे पानी ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ देश का 42% जल पाया जाता है, यानी कि लगभग समझ लीजिए कि देश का आधा पानी इन्हीं क्षेत्रों में है। एक अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 443.9 अरब घन मीटर भूमिगत जल उपलब्ध है, जिसका 19% जल अकेले उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। देखिए इंडिया का 19% पानी खाली उत्तर प्रदेश में है। अब समझ लीजिए कि 81% में बाकी सब इंडिया फैला हुआ, अकेले उत्तर प्रदेश में इतना है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों में भी भूमिगत जल संसाधन की संभाव्यता अधिक है, मतलब यहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा पानी है। अब आपको कुछ किताब में दिए गए हैं कुछ टॉपिक हैं क्या आप जानते हैं, जो कुष्ट में नहीं दिया रहता है किताबों में, देखिएगा दिया रहता है, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि विश्व के कुल जल आयतन का 96.5% जल महासागरों में ही पाया जाता है। अब याद रखिएगा, धरती पर जितना पानी है ना, उसका 100% में से 96% तो खाली जल महासागर में है, समुद्र में है। बचा कितना, 4.5% पानी है पीने वाला चारों ओर फैला हुआ, मात्र 4.5%। 95% तो खारा पानी है। सोचिए अगर ये पीने वाला पानी होता तो किस चीज़ की कमी होती। उनमें मात्र 2.5% ही अलवणीय जल है, और उसमें भी 2.5% पीने वाला पानी है, ज़्यादा पानी पीने वाला नहीं है, 2.5% है। फिर है, क्या आप जानते हैं विश्व के कुल मृदु जल का लगभग 75% अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एवं पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादर या हिमनद के रूप में पाया जाता है, और लगभग 25% भूमिगत जल स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है। मतलब 75% क्या है, बर्फ के रूप में है पानी पीने वाला, और 25% ही पानी के रूप में जिसे हम लोग पीते हैं, यानी बहुत ही कम है पीने वाला पानी, ठीक है। फिर है, क्या आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र एवं गंगा विश्व की 10 बड़ी नदियों में से एक है। इन नदियों को विश्व की बड़ी नदियों में क्रमशः 8वां एवं 10वां स्थान प्राप्त है। यानी विश्व में 8 नंबर पे है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी, और 10 नंबर पे है गंगा नदी। अब आप कहेंगे गंगा तो सबसे बड़ी नदी है, भारत की नदी है, विश्व की बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र जो है ना वो इंडिया से होते हुए बांग्लादेश से होते हुए घूम फिर कर फिर इंडिया में आई है, इसलिए वो यहाँ गंगा जो सीधे इंडिया में है तो उससे बड़ा हो गया है, लेकिन बाहर निकलेंगे तो ब्रह्मपुत्र बड़ा है गंगा नदी से। तो ब्रह्मपुत्र है 8 नंबर पे पूरे दुनिया में, और गंगा नदी जो है वो 10 नंबर पे है। तो ये सारा चीज़ आप जान गए कि जल का वितरण कैसे हुआ है। अब इसका अगला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, अगला टॉपिक अगले पार्ट में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।